नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं सनराइज ऑफिशियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा कि अगले महीने से दिल्ली पुलिस के लिए मेरे दोस्त स्पेशल क्लास शुरू हो चुकी है कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम जो है ना अगले महीने के अंदर है और टाइम कम बचा है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं मेरे दोस्त, हम टॉपिकों के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन आज मैं मेरे दोस्त कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो हर एग्जाम के अंदर मैं दोस्त वहां से 4 से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आज मैं भौतिकी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो बार बार एग्जाम के अंदर आएंगे, बार बार एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। तो शुरुआत होगी मेरे दोस्त यहां से उन टॉपिकों के अंदर, उन क्वेश्चन होगी। तो सबसे पहला जो मेरे दोस्त मैं क्वेश्चन लेकर के चलता हूं, यहां से क्वेश्चन आता है और यहां से क्वेश्चन क्या लिखा गया, अभी डी ग्रुप के एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों ने बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। वहां पर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेगा कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, मतलब जब हम धूप के अंदर खड़े होते जो है ना उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो आप लोगों को आंसर क्या लगा करके आना है, विटामिन डी मिलता है। एक तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिला, वह मिला मेरे दोस्त कौन सा, विटामिन डी मिला। और दूसरा जो मछली के क्रोड़ लीवर तेल से जो हमको विटामिन मिलता है, कौन सा विटामिन मिलता है, आपको फिर आंसर लगा करके आना मेरे दोस्त कौन सा विटामिन डी मिलता है। बात क्लियर हुआ, पहला ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन ये आता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, आंसर क्या लगा करके आना है, आपको लगा करके आना है मेरे दोस्त कितनी अस्थियां होती हैं, 8 अस्थियां होती हैं। आपको केवल इतना याद रखना कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 8 अस्थियां होती है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेगा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हुआ, 8 अस्थियां हुआ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आता है एग्जाम के अंदर, यहां से आप लोगों से पूछेगा कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक जो लवण होता है वो कौन सा होता है, मतलब जब आप समुद्र देखने के लिए जाते हो ना और वहां पर आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा कि समुद्र के पानी में जो सबसे ज्यादा लवण होता है उस लवण का नाम क्या पड़ता है, आंसर लगा करके आना मेरे दोस्त क्या, सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, रबड़ से कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लो रबड़ है ये पेन जो है ये मेरे दोस्त प्लास्टिक है, प्लास्टिक से पहले जो रबड़ जो होती है उस रबड़ को हम कठोर करते हैं, मतलब उस रबड़ को हम मजबूत करते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा कि रबड़ को मजबूत करने में उसके अंदर कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, आंसर क्या लगा करके आओगे, इसका आंसर लगा करके आओगे मेरे दोस्त क्या, ऑक्साइड को मिलाया जाता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है, खाना पकाने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, जो खाना पकाते हैं ना वो खाना पकाने वाला जो सोडा जो होता है उसको क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है किस धातु को नोबल धातु कहा जाता है, अगर एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन ये मिलता कि किस धातु को नोबल धातु कहा जाता तो उत्तर क्या लगा करके आओगे, सोने को कहा जाता है। बात समझ में आया, नोबल धातु किसे कहते हैं, सोने को कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो लेकर के आए हैं, लोहा अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता, जो लोहा जो अयस्क जो होता है ना प्रकृति जो होती है मतलब नेचुरल जो होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्साइड की अवस्था में पाया जाता। तो आपको यहां से इतना याद रखना कि लोहा अयस्क किस प्रकृति की अवस्था में पाया जाता है, ऑक्साइड की अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद आठवां जो क्वेश्चन आता है, यहां से ये आता है कि जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान को जो सर्वप्रथम समझाया था वो समझाया किसने था, उत्तर क्या लगा करके आओगे, लैमार्क ने समझाया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा विकसित होते हैं, 20 दांत, वो कहा निकला तेरे 36 के 36 32 के 32 तोड़ दूंगा तो उनमें था 32 के 32 को न टूट दे, 32 में था ना 20 दांत इसे हमारे जिनसे दोबारा के हो जावे हैं विकसित हो जावे। तो याद रखियो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा विकसित होते हैं, आंसर क्या लगा कर क्या होगे, 20 दांत विकसित होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, जीन के
संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर मतलब जीन का संरक्षण किया था उसके लिए जो सम्मानित किया गया ना, वो सम्मानित सबसे पहले किसको किया गया था, हरगोविंद खुराना से। जीन शब्द मिले ना हरगोविंद खुराना को मत भूलना। जीन शब्द मिले किसको नहीं भूलोगे, हरगोविंद खुराना को नहीं भूलोगे। इसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या, यही क्वेश्चन डी ग्रुप के एग्जाम के अंदर आया था, एस्कोर्बिक एसिड। आपको याद रखना है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, एस्कोर्बिक एसिड होता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या होता है, आंसर क्या लगा करके आओगे, बायोगैस का जो प्रमुख अवयव होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है, मतलब जो किसी को भी क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है, वो कौन सा ग्रुप वाला इंसान पाया जाता, मेरे जैसा पाया जाता। तो आंसर लगा करके आना है ओ पॉजिटिव, याद सकते हो, ओ वाला जिसका है वो सभी को अपना क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है। इसके बाद ये क्वेश्चन 14 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है रात में होता है, उत्तर यही मिलेगा, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो केवल और केवल किस में होती है, दिन में होती है। इसके बाद क्वेश्चन लेकर के आए हैं 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, आंसर क्या लगा कर क्या होगे, शरीर के अंदर जब आयरन की कमी होती है ना उसके अंदर क्या हो जाता है, रक्तहीनता की कमी हो जाती है। तो याद रख सकते हो कि ना रख सकते हो, यही वो क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस एचटेट के अंदर कोई भी एग्जाम हो मेरे दोस्त से घुमा फिरा करके ऐसे ही क्वेश्चनों का एग्जाम के अंदर डाला जाता है। मेरा काम केवल इतना है, साइंस वाला कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाएगा, लेकिन मेरे दोस्त जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साइंस के नोट्स मेरे पास हैं, जितने भी क्वेश्चन वन लाइनिंग क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्त एक एक करके हर चीज से मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा। आपका केवल काम कितना है, हमको थोड़ा सा सपोर्ट करो, यही मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप हमको सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। भाई मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं आप लोगों के परिवार का अंग हूं, और अपने परिवार के अंग को मेरे दोस्त थोड़ा सा सपोर्ट करोगे उसके अंदर आप लोगों का कोई दिक्कत तो ना आना चाहिए। इसके बाद किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, आयरन की कमी से। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी, मतलब जो मानव जो शरीर है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी वह सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। अगर क्वेश्चन यही एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछे कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी वह सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, उत्तर क्या लगा करके आओगे, फीमर को लगा करके आओगे। इसके बाद जो क्वेश्चन यहां से आते हैं, इसके बाद मेरे दोस्त हम जो आगे बढ़ेंगे, आगे जो चलते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आता है, अब आएंगे आगे थोड़ा सा, यहां से क्वेश्चन आया जो 19वां जो क्वेश्चन आता है, यहां से मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है, आपको क्या याद रखना है कि घाव को भरने में सहायता कौन सा विटामिन करता है। मतलब क्या होता है, जब हमको कोई घाव लग जाता है, हाथ पर घाव आता है, कहीं पर घाव आता है, वो घाव को हम जल्दी भरने के लिए कौन से विटामिन का मेरे दोस्त क्या करते हैं, प्रयोग करते। तो आंसर क्या लगा करके आओगे, उत्तर क्या लगा करके आओगे, विटामिन के का प्रयोग होता है। इसके बाद जो 20वां क्वेश्चन आता है, यहां से ये क्वेश्चन आता है, बायोक्रिस एक रोग है, वो किसका रोग माना जाता है, ये वो माना जाता है मेरे दोस्त किसका, लीवर का, लीवर या किसका माना जाता है, यकृत का माना जाता है। बात क्लियर हुआ, बायोक्रिस एक क्या है, ये एक रोग माना जाता है, और ये रोग किसका माना जाता है, या तो लीवर लगा करके आना आंसर, या यकृत मिला लगा करके आना आंसर, कोई भी एग्जाम के अंदर मिलेगा आप लोगों के। इसके बाद क्वेश्चन आता है, मांसपेशियां जो होती है ना, इंसान की जो मांसपेशियां होती है, उन मांसपेशियों के अंदर मेरे दोस्त क्या होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, उत्तर इतना याद रखना, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कौन सा होता है, मायोसिन नाम का मेरे दोस्त क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, जो कहां पर मिलता है, वो मिलता है मेरे दोस्त मांसपेशियों के अंदर। इसके बाद याद रखना, बेरी जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है, आंसर याद रखना, विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी रोग किसके कारण होता है, विटामिन B1 की कमी के कारण। प्रोटीन का जो सबसे बड़ा जो स्रोत है, जो
हमको सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां से मिलता है, याद रखना मेरे दोस्त, कहां से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। या ये क्वेश्चन याद रखना, छोटा छोटा जो सोयाबीन आता ना, करीब 42% अकेला क्या होता है उसके अंदर मेरे दोस्त, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। तो याद रखना, जो ये हम मेरे दोस्त बाहर से प्रोडक्ट मंगा करके आते हैं, जो खाते हैं सप्लीमेंट जो खाते हैं, उसके अंदर कोई प्रोटीन ना होता है, मांस के अंदर कोई प्रोटीन ना होता है, जो हमारी जो नेचुरल चीजें जो है ना, जो धरती से उगाई जाती है मेरे दोस्त, उस जैसे खाने का स्वाद मेरे दोस्त इस दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सोयाबीन होता है। इसके बाद याद रखना, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, अभी डी ग्रुप के एग्जाम के अंदर आया था कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान फारेनहाइट स्केल में कितना होता है। डॉक्टर का जाओगे ना, कह दिया अगर 98.4 जो बुखार हो क्यों हुआ है भाई, वो नॉर्मल हुआ है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान फारेनहाइट स्केल में कितना होता है, 98.4 फारेनहाइट स्केल होता है। तो यहां इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 26 जो कहता है, वो कहता है हैजा जो रोग जो होता है ना, वो किसके कारण होता है, वो होता है घर के अंदर जो मक्खी जो होते हैं उसके अंदर कौन सा रोग होता है, हैजा रोग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जो आता है, कोशिका शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, जो कोशिका जो होती है ना उसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 28 आता है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी जो होती है वो क्या होती है, कुष्ठ रोग होती है। तो याद रख लोगे क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद जो आगे चलते हैं, क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, और वो क्वेश्चन क्या मिलेगा, यहां से क्वेश्चन आता है, वो क्या क्वेश्चन आता है, जो इसके बाद जो 29वां क्वेश्चन आता है वो क्या है, जरावीक क्या है, जरावीक जो होता है ना, एक यंत्र होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, कृत्रिम हृदय कहा जाता है। एग्जाम के अंदर ऐसा ही मिलेगा, कृत्रिम हृदय किसे कहा जाता है, तो जरावीक को कहा जाता। बात समझ में आया कि ना आया। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, मैंने वैसे ही क्वेश्चन डाल दिया था, मैंने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जो क्या लिखा हुआ है यहां पर, अदरक क्या है, अदरक से संबंधित बात लिखवा कि ना लिखवाया। जब हम धरती से अदरक निकालते हैं तो बच्चे के दिमाग में एक बात आती, क्या अदरक जड़ है या अदरक तना है। अब भी कहता हूं मैं दोस्त, धरती के अंदर से निकलने वाली कोई भी चीज जड़ नहीं होती, उसको एक तने का आकार भी दिया गया है। देखो क्या क्या है, मैंने अदरक लिखवाया, क्या है, तना लिखवाया। फिर आपको क्या याद रखना है, आलू याद रखना है, आलू क्या है, तना है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, प्याज याद रखना है, प्याज क्या है, तना है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, केसर याद रखना है, केसर क्या है, तना है। इसके बाद आपको जो याद रखना है, अदरक हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, केसर हुआ। इसके बाद आपको याद रखना है मेरे दोस्त क्या, हल्दी कद हल्दी लिख लो, हल्दी क्या है, हल्दी मेरे दोस्त क्या माना जाता है, तना माना जाता है। एग्जाम के अंदर ये मिलेंगे। इसके बाद आपको एक और याद रख लो मेरे दोस्त क्या, जो केला जो होता है ना, जो केला जो होता है वो केला भी क्या होता है, ये केला होता है मेरे दोस्त क्या, तना होता है। इसके बाद आपको याद रखना, बहुत सारी हैं, आपको क्या याद रखना है, गन्ना याद रखना। गन्ना तो हम अपनी इस भाषा में कहे हैं ना, गांव वाली भाषा में तो नुका किंग था, गंदा चुंगण जा रहा था, कह दिया कर गंदा चुंगा कौन जानता, गंदा खाया जा करे। तो याद रख लियो, कदे कोई सानू का गंदा चुंगण जा रहा था ना, गंदा खान जा रहा था, यह बात कह दियो। तो ये जितने भी लिखवाए मेरे दोस्त, ये सारी की सारी ये तने वाली फसलें हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जो आता है, यहां से यह आता कि मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, तो याद कितना लगा करके आना है, मेंढक के हृदय में जो भाग होते हैं ना, उन भागों की संख्या कितना पड़ता है, 3 होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, इंसुलिन जो होता है वो इंसुलिन क्या है, यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार मिला, इंसुलिन क्या होता है, यह एक हार्मोन होता है। इसके बाद जो यूरिया की जो सबसे अधिकतम मात्रा जो पाई जाती है ना, वो कहां पर पाई जाती है,
यूरिया की अधिकतम मात्रा कहां पर पाई जाती है? वो पाई जाती है रेलवे स्टेशन के ऊपर। याद रखना, अगर मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहता, अगर आप एक बात एग्जाम के अंदर आए कि यूरिया की सबसे अधिक मात्रा कहां पर पाई जाती है, तो रेलवे स्टेशन को मत भूलना, किसी बस स्टैंड को ना भूलना, किसी पब्लिक, जहां पर पब्लिक इकट्ठा होती हो उसको मत भूलना। रेलवे स्टेशन का कभी आप वॉशरूम यूज करके देखना मेरे दोस्त, वहां पर आपको अलग प्रकार की खुशी मिलेगा। तो यूरिया की सबसे अधिक मात्रा कहां पर पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, दौड़ लगाने से मानव शरीर का रक्तचाप कैसा होता है? जब इंसान दौड़ लगाता है, भागता है, तो उसका रक्तचाप कैसा होता है? बढ़ जाता है। एक बात और याद रखना, जब इंसान दौड़ लगाता है वो आगे की तरफ झुक कर चलता है कि उसके शरीर पर कोई वो ना पड़े। तो याद रखना, दौड़ लगाते समय मानव शरीर का रक्तचाप कैसा होता है? बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मतलब जो मानव शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन या रक्त होता है उसके अंदर कौन सा तत्व उपस्थित होता है? आंसर क्या लगा करके आओगे? लोहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 36 आता है, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। तो याद रखना, दर्पण जो होता है उसको चमक देने के लिए प्रयोग जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 37 आता है, एड्स की बीमारी फैलती है किसके कारण? वायरस के कारण। इसके नंबर 38वां जो क्वेश्चन जो आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पीएच मान का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? जो पीएच मान जो है ना, उसका निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। प्रवाह को ज्ञात करने की, जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं, मतलब जल का जो प्रवाह जो होता है ना उसकी दर को जो ज्ञात किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? वेचुरी मीटर कहा जाता है। मतलब जो जल का जो प्रवाह जो होता है ना उसकी दर ज्ञात करने के लिए उसको क्या कहते हैं? वेचुरी मीटर कहते हैं। इसके बाद जब कोई इंसान कान दिया करा गामा में, फलाने आदमी ने केक खा लिया, जहर खा लिया, और जहर खाने तो उसकी क्यों होगी? मौत होगी, छाया में चला गया। तो याद रखियो, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? वो कह दिया गया है अपनी भाषा में टॉक्सिन। हम तो उनको कहते हैं जहर खा लिया, लेकिन टॉक्सिन निगल लिया। तो याद रखियो, टॉमी ने के निगल लिया टॉक्सिन। टॉमी ये क्रिया करे इसे काम बाद उर आदमी तो थाने बेरा ये काम करे ही नहीं। सब पे अच्छाई सब पे बुराई आवे भाई, लेकिन नू थोड़ा का बुराई जब सर पावे आदमी के, अगर अपने शरीर ने त्याग दो ना, अपनी किस्मत के लिए लड़ो जुकर हम लड़ लाग रहे हैं। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहा जाता है। देखो यह बात आ गई, आलू का देखो, इसी आलू लिख ले, आलू लिखना है। आलू के है, आलू मेरे दोस्त के है तना है। बात समझ में आ गई, सारी की सारी लिखवा दी थी तने वाली फसल, लेकिन फिर आ गया आलू के है तना है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 42 जो आता है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? इसका उत्तर था ना, जो याद रखना है ना, एक तो याद रखियो बीडल, वह दूसरा याद रखना मेरे दोस्त क्या, टैटम ने दिया था। बीडल व टैटम ने मेरे दोस्त एक सिद्धांत दिया, एक जीन व एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बीडल व टैटम ने। लिख लियो इन्हें, मैं भी कहूं दिल्ली पुलिस में पास होने में सब तबड़ी भूमिका ये क्वेश्चन निभाऊंगे, याद रख लियो कदे बाद में। मैंने इतनी यूट्यूब पर कम से कम 20 वीडियो घेरी है, हरियाणा ग्रुप डी का पेपर ठा लो और अपनी वीडियो ना ठा लो, क्वेश्चन ना पाओ तो मरता कह दियो नंबर थर तो मैंने दे रखा है। चीज बताऊंगा जीरो, तनू ना सोचियो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नया हूं ना, किसी ना गबड़न का मौका ही को ना दिया। अगर आ गबड़न का मौका देंदा तो आज मैं भी भाई थारे बीच में होना था। आज अपने दम पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खुद तैयार करन लाग रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग, थारे सहयोग के बिना तो मेरे दोस्त कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो उसके वायुमंडलीय दाब पर मेरे दोस्त क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब जो होता ना मेरे दोस्त, वो क्या हो जाता है? घट जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 जो आता है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, मतलब एक लिफ्ट है वह समान वेग तक ही जावा है, ऊपर जावा है, और उसमें स्थिर व्यक्ति का भार कैसा रहेगा? मतलब जो उसमें खड़ा है ना, उसमें जो लोग चढ़ रहे हैं उनका भार कैसा रहेगा? याद रखना था हमने के अपवर्तित रहेगा, मतलब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना
याद रखियो कि उस व्यक्ति का बाल कैसा रहोगा, अपवर्तित रहोगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आवे है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है, मान लो था हम घर की तीसरी मंजिल पर चढ़ गए और उड़ता जाकर वस्तु था हमने नीचे गिरा दी, तो उस वस्तु का बाल कैसा होगा। याद रखना है परिवर्तनशील होता है, इतना याद रख लोगे। जब वस्तु को ऊपर से गिराया जाता तो वस्तु का भार कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना कैसा होता है, मतलब बर्फ जो है ना, बर्फ पर हम के लगा दे होंगे, दाब लगा दी, बर्फ का पर दाब लगाने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, याद रखना मेरे दोस्त, आपको क्या घट जाता है, याद रख लोगे। क्वेश्चन नंबर जो 47 आता, पानी के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा, मतलब कोई पानी का बर्तन है और उसमें क्या कर दिया, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पूरी तरह पिघलने पर बर्फ का जल कैसा होगा, मतलब बढ़ेगा घटेगा या समान रहोगा, अपवर्तित रहोगा, मतलब ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, वो के रहोगा समान रहोगा। इसके बाद लो फिर यह बात याद आएगी, एक छोरी है ना झूला झूलन लाग रही थी, एक छोरी के कर थी झूला झूल थी और उसके दौरा का एक और बैठी, तो उस झूले का बाहर पूछा है घटेगा बदेगा या झूले का बाहर समान रहोगा, तो झूले का बाहर के रहोगा, अपवर्तित रहोगा, समान रहोगा। चेस जो लेकर के आते हैं, एक कमरे में पंखा चल रहा है, मान लो यू कमरा है, हमारा कमरा है और के छड़े हम बैठे हैं, हम कमरा है तो है, मान लो एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप कैसा होगा, मतलब कमरे में पंखा चला दिया हमने तो उसकी वायु का ताप कैसा होगा, तो उत्तर लगा का आइयो, कमरे की वायु का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रीज, कदे को सानू सोचा कि रेफ्रिजरेटर के आ गया, हमने भी इतना ही बेरा याद रखियो फ्रीज जिसमें घनी चीज ठंडी करके खाए, जानू नहीं बेरा के खावा है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान कैसा होगा, इसके अंदर भी कैसा होगा, बढ़ जाओगा भाई। अरे ये दोनों क्वेश्चन जो है ना किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, दिल्ली पुलिस के पहले एग्जाम था के देखियो यार, तक क्वेश्चन आवेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आवे है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व कैसा होता है, मतलब कोई चुंबक ले लियो और उसने गर्म कर लियो उसका, देखियो फिर चुंबकत्व कैसा होगा, तो अचुंबकत्व जो होता है ना वो मेरे दोस्त कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परमाणु घड़ी जो होती है वो कार्य करती है किसके ऊपर, तो याद रखना पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के ऊपर कार्य करती है, जो परमाणु ने याद रखियो परमाणु तक पीजो आया, पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर यह मेरे दोस्त क्या करती है, कार्य करती है। विद्युत मोटर जो कार्य करती है फैराडे के नियम पर कार्य करती है। इसके बाद याद रखना विद्युत मोटर किसके आधार पर कार्य कर रहा है, फैराडे के नियम पर कार्य करती है। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 54 आता है, शाही सुखना किस सिद्धांत पर कार्य, मतलब शाही सुखना वो पेन आया करता, एक मकदे और कुछ लिख लो, वो पेन नहीं आया करता, शाही खंडा जाकर देर पीछे था उसने नुकरिया जा करते शाही सोख लिया कर था, वो शाही सुखना जो है ना वो किस सिद्धांत पर तनाव कार्य करता है, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। लेंज का नियम किससे संबंधित होता है, लेंज का नियम आता है ऊर्जा संरक्षण का, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी जो है ना वो क्या करती है, अन्य ग्रहों के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाती है, यह बात किसने कही थी, आंसर क्या लगा कर क्या आना है, कोपरनिकस ने कहा था। ग्रहों की क्वेश्चन नंबर जो 57 जो आता है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, आंसर क्या लगा कर क्या आना है, केम्पलर ने दिया था, जो ग्रह जो है ना उसकी गति का जो नियम जो सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था, केम्पलर ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 आता है, तारों में सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो क्या होता है, नाभिकीय सलिलन उसको कहते हैं। आदे थामने जो याद रखना है, थामने याद रखना मेरे दोस्त कौन सा, रॉकेट आला, रॉकेट जो है ना, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, वो करेगा भाई संवेग संरक्षण पर, याद रखना रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के कार्य करता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, झरने से जब
जब अपनी ऊंचाई झरने से जब पानी पानी है भाई अपनी ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा होता है, मतलब जो झरना जो है ना, और उस झरने पर तो के पड़ेगा पानी पड़ेगा और उसका जो ताप होता है कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। देख लियो झरने पर तो जब पानी पड़ेगा ना उसका ताप कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कैसी होती, कम हो जाती। बात समझ में आ गया, वायुमंडल नहीं है तो दिन की अवधि क्या हो जाती, कम हो जाती। काम नहीं कम लिख लियो भाई, बोलने में दिक्कत आ जाए कोई भी लिख दिया ना, देखो मैं भी इंसान को दिन सोचो काम लिख दिया ना कम हो जाती। एक आधा क्वेश्चन लिखने में गलती हो तो मैं भी परिवार हूं भाई, माफ कर दियो। लोहे पर जंग लगने से उसके बारे में क्या होता है, मतलब लोहा पड़ा है, कोई भी लोहा ले लो भाई, लोहा ले लो पंखे का लोहा ले लो, और इस पर है ना क्या हो गया, जर लग गया, और जर लगने से इस लोहे का जंग लगने से इसका भार क्या हो जाता है, इस लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रख लोगे तो यहां तो इस बात ने याद रख लो, जो लोहे पर जंग लग गया तो क्या हो गया, घट जाओगा ना, लोहे पर जंग लगने तो उसका भार क्या हो जाओगा, बढ़ जाता है। इसके बाद कांच की छड़, कांच लिख लियो कदे और कुछ लिख लियो, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता तो छड़ कैसी हो जाती है, दनावेसी तो जाती है। तो याद रखना कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसी हो जाती है, दनावेसी तो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 आता है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा हो जाता है, तो यंत्र याद रखना मेरे दोस्त क्या, बढ़ जाता है। इसके बाद याद रखना, किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो मतलब कोई वस्तु है और उसकी चाल के कर दी, आधी कर दी, घटा दी, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो एक चौथाई हो जाओगी। याद रख लियो, उसकी ऊर्जा क्या हो जाओगी, एक चौथाई हो जाओगी। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 66 याद रखना है, कार्य का मात्रक क्या है, 67। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो अंशवर याद रखना है, दूरी का प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भाई, दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 × 10^15 मीटर के, तो याद रखियो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 × 10^15 मीटर के बराबर होता है। बात समझ में आ गई, कार्य का मात्रक के है, जूल लगा करके आना है। इसके बाद जो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 69 जो आता है वो क्या कहता है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। बात समझ में आया, विद्युत धारा की जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत धारा की इकाई को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। बात समझ में आ गई, विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। जहाज की चाल की मात्रा क्या होती है, जहाज जो है ना उसकी चाल की मात्रा को क्या कहा जाता है, नॉट कहा जाता है। झींगा भी जहाज दिखा ना उसने नू देख लियो, जाल की जो जहाज की चाल की मात्रा को क्या कहा जाता है, नॉट कह दिया है, नॉट कहते हैं। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है, एंगस्ट्रोम हुआ है। यो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है, आपको याद रखना है एंगस्ट्रोम होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 जवाब है, एक हॉर्सपावर में कितने वोट होते हैं, एक हॉर्सपावर में कितने वोट होते हैं, यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, एक हॉर्सपावर में कितने वोट होते हैं, आंसर क्या लगा करके आओगे, 740 वोट होते हैं। तेल जो है ना, तेल का बैरल लगभग कितना होता है, तेल का एक बैरल जो होता है ना वो कितना होता है, उत्तर लगा का आयो करीब 159 लीटर का होता है। बात याद रख लोगे, तेल का एक बैरल जो होता है लगभग कितना होता है, 159 लीटर का। सोनार द्वारा प्रयोग में, जो सोनार जो है ना वो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाए, मतलब क्या क्यों काम आवा है, नौ संचालकों के द्वारा जो प्रयोग में लाया जावा है ना वो के लावा जावा है, सोनार मतलब रास्ता दिखाने का तरियो के काम आओगा। यो नौ संचालक जो समुद्री जहाज जो है ना उनमें के करा जावा, इस सोनार का प्रयोग करा जावा है। इसके बाद हमने जो याद रखना है, इसके बाद में तो सगा याद रखना, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग होता है, जो रेडियो तरंग जो है ना उसके द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग होता है, रडार का प्रयोग होता है, रडार या एम्पियर का प्रयोग होता है। इसके बाद जो आदमी झूठ बोला है, आजकल है ना 90% छोरे भी और 90% छोरी भी झूठ बोलेंगी, इब देख लो, इब एक तारीख आने लग रही है ना, एक तारीख आने लग रही है ना, नू समझ लियो, जिसकी छोरी नू को आना, ए मां मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी छोरी नु को है ना हे माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, नू समझ लियो घना बड़ा गोफला, घना बड़ा कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है,
देख लियो, और झूठ का पर्दा लगाने के लिए देखो भाई मैं तो नुए को कुछ ना कुछ खुआ का जरूर देखियो, तुलसी नु का ना पेट में दर्द हो खुआइयो जरूर। फिर याद रखियो छोरी के बोलना है, छोरे के बोलना है, झूठ बोलना है कि नहीं बोलना है, उस झूठ का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एक यंत्र ले आओ और उस यंत्र को कहा जाता है पॉलीग्राफ। फिर बोल कर देखो झूठ बेरा पकड़ा है ना लग जाओगा। कल सामान खा रहा भाई मैं मखड़ा, एक दुकान के आगे खड़ा एक छोरी आई, नु बोलिए जूती कितने की दी, सेल तो रखा था मगर 750 की, हे इतने की 750 रुपए की जूती, मैं उसने बुलेट की ताली हाथ में ले रहा, उसने मैं जूती बेचने वाला दिखा, नु बोली कितने की दी, मैं बोलिया मगर 750 की, छोरी पाइए नी तो इटाई। बताओ एक बात, बड़ा धोली पुरुष पहन रहा, नीचे जींस की पैंट पहन रहा और नीचे बाटा की चप्पल पहन रहा, बता बराबर में बुलेट खड़ी, नु बोली कितने की, मगर 750 की, बाज ली उड़ता हुआ छोरी। बताओ भाई के कह सके हैं। तो झूठ का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उत्तर के लगा कहोगे पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो कहता है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, मतलब कोई रेल है चलना शुरू कर रहा है, तो उसमें बैठे व्यक्ति का पीछे की तरफ चला जाता है, मतलब जो धक्का लग गया एकदम पीछे की तरफ धक्का लग गया है, तो यह नियम क्या कहा जाता है, जड़ताव का नियम कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, मतलब एक तो सड़क पर आदमी चल रहा है और एक बर्फ पर आदमी चल रहा है, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो याद रखना बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है। इसी व्यक्ति ने न्यूटन से पहले यह बताया था कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होता है, कोई किसी व्यक्ति ने मतलब न्यूटन से पहले यह बताया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण का जो वो दिया वो न्यूटन ने दिया, लेकिन उससे पहले भी यह बता दी थी कि वस्तु जो है ना पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, बात किसने बताई थी, उत्तर के लगा कहोगे ब्रह्मगुप्त ने बताई थी। इसके बाद पीसा की मीनार जो है ना वो के है झुकी, कह दिया अगर पीसा की मीनार झुकी हुई है लेकिन गिरी नहीं, क्यों नहीं गिरी हुई, पीसा की मीनार झुक तो गई लेकिन वे गिरी कोन्या, क्यों नहीं गई, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली लाइन तल के अंदर होता है, मतलब जो इसका गुरुत्वाकर्षण जो है ना केंद्र तक जो लाइन जाएगी ना, केंद्र के अंदर से जो लाइन रेखा या लाइन जाओगी वो तल के अंदर होता है, इसी कारण से ना तो गिरी इसी कारण से वो आवा है। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 81 आता है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 भाग रहता है, तो याद रखना चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी का कितना हो जाता है, 1/6 ना जरूर याद रखियो, साइंस में चंद्रमा पर होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, चंद्रमा पर जब जावे है ना थोड़ा के पाओगा गुरुत्वाकर्षण बल पाओगा। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में क्या होता है, बारिंता हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण जब शून्य स्थिति में जाओगा ना तो उसमें क्यों जाओगा, बारिंता में क्यों बारिंता हो जाती है। इसके बाद लिखना है देखियो आया मी, जब मी आया ग्रंथ जिसे ना आजकल मी में कोई ना कह रहा जी को ना, पहले है ना सारा दिन कच्चे कच्चे में टायर लेकर आंदा जा ग्रंथ ही बाढ़ घर के तो कल आकर दे गीप तो घर में बढ़ लो, आजकल घर के इसे हो रहे हैं बड़का ना घर तब बारे को ना कर दे रहे, घर क्या है आजकल इसे हो रहे हैं बड़का ना घर तब बारे को ना कर दे, बेरा नहीं उनने के बना घर आंदा उनने कुछ नहीं, गोबर नहीं आंदा, हकीकत बात बताऊं कुछ नहीं आंदा, अर्जुन से तड़की जा आकर थे लकड़का सांझ ने लीले का आया कर थे वाज हुए बालक कामयाब हो रहे, तो याद रखना वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति में किस कारण से होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, बूंद जो है ना जब आवे गोलाकृति में जो हुए हैं वो किस कारण तो हुए हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, ये बात आवे साबुन के, साबुन में देखे होंगे बुलबुले घने ठाए हमने ठाए ठांडे देखे होंगे साबुन सरफ में बुलबुले, साबुन के बुलबुलों के अंदर का दबाव कैसा होता है, मतलब जो साबुन के बुलबुले जो बनेंगे ना और उन बुलबुले के भीतर का जो दबाव होता है क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, बात याद रख लियो साबुन के बुलबुलों के अंदर का दबाव कैसा होता है, वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय हवाई जहाज में बैठे कड़ा किस्मत जहाज में बैठ जावे कोई तो नहीं बैठने देता आपको, तो याद रखना हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है, मतलब कोई आदमी जहाज में बैठा होगा ना तो ऊपर जाओ वायुमंडलीय दबाव के कारण उसके पेन में तो के लकड़िया होगी स्याही लकड़िया होगी, देखियो फिर आ गया वायुमंडलीय दाब के कारण उसमें क्या हो जाती है वो स्याही निकल जाती है। इस
दूरी मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? पारसेक। जो दूरी मापने की जो इकाई है उसको क्या कहा जाओ भाई? पारसेक कहा जाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 जो कहता है बल की सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना मेरे दोस्त क्या होता है? डाइनो होता है। तो मतलब ये चीज आ जाओगी, बल याद रखना है, बल जो है ना, बल की एसआई पद्धति का मात्रक क्या है? बल की एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है? उत्तर के लगा काओगे न्यूटन लगाकर क्या आना है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक जो न्यूटन होता है ना वो किसके बराबर होता है? वो होता है 10^5 डाइन के बराबर होता है। तो उत्तर याद रखियो, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 10^5 न्यूटन के बराबर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 आवे, एक डाइन बराबर होता है, डाइन ना याद रख लियो, कदे कोई सीनू सोचा डाइन को है मरता, डाइन को ना कंदा मन डर लागे डाइन कंती आना, तो याद रख लियो एक डाइन किसके बराबर होता है? 10^5 न्यूटन के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन के, एक डाइन बराबर होता है 10^5 न्यूटन के बराबर होता है। कार्य की सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या होता है? कार्य करेनु सोचा हिंदी में लिख रहा है, इंग्लिश में भी लिख लियो, सीजीएस पद्धति का एसआई मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है, याद रखियो अर्घ ना के अर्घ किसका कार्य की सीजीसी पद्धति का मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है, एक अर्घ में कितने जूल होते हैं? एक अर्घ में कितने जूल होते हैं? उत्तर 10^-7 10^-7 के हो हैं भाई, जूल हो हैं, लंबाई का एसआई मात्रक के है, एसआई याद रख लियो, लंबाई का एसआई मात्रक के है, मीटर है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक के हुआ है वो थमने के याद रखना है, किलोग्राम याद रखना है, समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक के हुआ है, सेकंड हुआ है, ताप का एसआई मात्रक के हुआ है, यो भी इंपोर्टेंट है, ताप पढ़ा, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको क्या याद रखना है? कंडेला याद रखना है। बात समझ में आई? ये यहां तक थी। क्वेश्चन नंबर जो 99 जो कहता है पदार्थ का परिणाम का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अंशुर क्या लगाकर क्या होगे? मोल लगाकर क्या ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 आता है, किसी राशि के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है, तो मात्रक कहा जाता है। तो किसी राशि के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। इसके बाद अगले ही वीडियो के अंदर मैं दोस्त मैं 101 से शुरू करने वाला हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं दोस्त इतना ही, ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।